तो दोस्तों वेलकम। तो आपको आज शानों की शक्ल देख के लग रहा होगा बहुत कुछ, और मेरी शक्ल आपको उतनी भी लग रही होगी क्योंकि अगला एक महीना मेरी वाट लगने वाली है काम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शानू जा रही है और मैं और जयेश बहुत परेशान है कि घर का खाना वाना कौन करने वाला है। शानू भी इंडिया जा रही है एक महीने के लिए। एंड आई एम सो सो हैप्पी कि मैं फाइनली इंडिया जा रही हूँ आफ्टर 1 year and 4 months precisely। ये सबसे लॉन्ग टाइम है हमारा इंडिया जाने का, अदरवाइज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इंडिया जाते हैं, तो ये काफी लंबा गैप आया है इस बार 1 साल 4 महीने का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे इंडिया जाने की तैयारी है। आई एम गोइंग वाया यूनाइटेड एयरलाइंस, जिसमें सिर्फ एक चेक इन बैगेज अलाउड है ऑफ 23 kgs एंड इट इज ऑलमोस्ट फुल विद लाइक गिफ्ट्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड ये दूसरा ग्रीन पैकेज है विद 1 laptop bag एंड 1 purse। एंड यूनाइटेड एयरलाइंस का मुझे राउंड टिकट काफ़ी रीजनेबल मिल गया है 1762 का, इट वॉज जस्ट अ स्टील। एंड आई एम गोइंग वाया न्यूयॉर्क एंड देन टू न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स देखिए, हम एयरपोर्ट आ गए हैं, लास्ट मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, वी केम टू टर्मिनल 3 पर यहाँ तक पता लगा कि यूनाइटेड की जो फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की, इट गोज़ फ्रॉम टर्मिनल 1, सो वी आर टेकिंग अ ट्रेन दैट विल टेक अस टू टर्मिनल 1। वी स्टिल हैव टाइम, मेरी फ्लाइट में अभी 2.5 घंटा बाकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेन आ गई है जो कि हमको टर्मिनल 1 के डिपार्चर में लेके जाएगी फॉर यूनाइटेड एयरलाइंस। तो फ्रेंड्स अभी टर्मिनल 1 पे हमने चेक इन कर दिया है, बैगेज मेरा एक ही बैगेज था 23 किलो का, और नाउ वी आर एट सिक्योरिटी एंड आई विल बी सेइंग बाय बाय टू योगेश फ्रॉम हियर फॉर 1 month। सो बाय, टेक केयर। हे गाइस, सो सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आई एम सिटिंग इन माय डिपार्चर गेट नंबर F60, जहाँ पर करीब 1 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट न्यूयॉर्क के लिए डिपार्ट होगी। And there I have a layover of around 4 hours, and for that I have packed some quick bite from Starbucks, egg feta cheese sandwich that I can hog on for my 4-hour stop over there. Thank you. Hey guys, welcome to the US. ये देखिए पीछे US का flag है, and this is Newark Airport, New Jersey. And 3.5 hours का मेरा layover है यहाँ पर, and then my flight will start for New Delhi. Actually, Newark is on the border of New Jersey and New York. So that New York wali feel aa rahi hai yahan pe, lot of hustle bustle, too much happening, and a lot of variety of cuisines to choose from. Quite a happening airport. Hi guys, welcome to India. 14 hours की लॉन्ग फ्लाइट के बाद आई हैव फाइनली लैंडेड इन इंडिया। इट इज़ 8:30 PM हियर, और मैंने अपना OCI और पासपोर्ट इमिग्रेशन में दिखाकर नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स बैगेज एंड एग्जिट, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 1 hour आई विल बी रीचिंग माई होम। थैंक यू, बाय। फ्रेंड देखिए, बाहर निकल कर आई हूँ और यहाँ प्री पेड टैक्सी इंटरस्टेट है, ये लोकल दिल्ली सबसे रीजनेबल इनका प्री पेड काउंटर है इधर, और काउंटर्स में मैंने पता किया तो कोई 1800 कोई 1500 बोल रहा था, तो यहाँ ये सज्जन मिले, इन्होंने मेरे को 650 का ट्रिप दिया है फ्रॉम एयरपोर्ट टिल मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन। तो अगर आप आएँ तो आप इनके काउंटर में आ सकते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काउंटर है ये। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्री पेड टैक्सी सर्विस है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की, इट इज़ इवन मोर रीजनेबल दैन ओला एंड ऊबर। और गेट नंबर 2 या गेट नंबर 1 से एग्जिट करके मुझे बाहर कोई भी काली पीली टैक्सी लेनी है जो कि ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है, वेरी नाइस सर्विस। तो गाइस देखिए, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, ये मेरे सिस्टर इन लॉ है, शी इज वेलकमिंग मी। तो क्या हाल है? वेलकम है। बाप रे, ये मेरी मदर इन लॉ है, और क्लिफी का है, क्लिफी, ओ माय गॉड, ये मेरा डॉगी क्लिफी, क्लिफू, 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 क्लिफू।